इंडिया से सर्विस के हम पीबीए से क्वेश्चन सॉल्व करें और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2016 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट ए क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या है? द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन एज, हमारे पास ये जो है वो पीडीएफ दिया हुआ है, जॉइंट पीडीएफ दिया हुआ है, हमें निकालना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू हाफ गिवेन एक्स इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये चीज हमें निकालना है। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू हाफ गिवेन एक्स इक्वल टू हाफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू हाफ इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू हाफ, ठीक है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ। ठीक है, अभी देखिए यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी का x इक्वल टू हाफ निकालना है, तो पहले हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ एक्स, मतलब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालना पड़ेगा, मतलब एफ एक्स एक्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए इंटीग्रेशन y के ऊपर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, 0 टू 1, क्योंकि ये यहां पे y x प्लस 2y बाई 3 dy। ठीक है, अभी देखिए यहां पे 1/3 तो पूरा बाहर आ जाएगा, यहां पे y है तो y के ऊपर तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन सिर्फ dy के ऊपर होगा, तो यहां पे होगा x और यहां पे y, y के ऊपर वैल्यू बैठना है 0 से 1 तक। ठीक है, अभी देखिए 2, अभी देखिए y dy, तो यहां पे आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अभी हम जो वैल्यू जो बैठा देंगे, तो वैल्यू यहां पे बैठाएंगे तो 1/3 रहेगा, यहां पे हो जाएगा x और यहां पे देखिए यहां पे 2 और ये 2 कट जाएगा और यहां पे रहेगा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। यहां पे हमें कहा है कि x इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 x इक्वल टू हाफ, सॉरी हाफ का है, 2 नहीं हाफ का है, तो यहां पे हम जो है हाफ बैठा देंगे, तो यहां पे आ गया 1/3 और यहां पे हाफ प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां पे आ गया, देखिए यहां पे इनटू जाएगा तो यहां पे 6 आ जाएगा और यहां पे 3 मतलब हाफ है। ठीक है, यहां तक तो नीचे का हो गया, अभी हमें ऊपर का देखना है। तो देखिए यहां पे हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू हाफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो देखिए अभी हमें इसको निकालना है, तो क्या आएगा यहां पे आएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसके ऊपर होगा, y के ऊपर इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके हाफ तक। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा है कि लेस देन इक्वल टू हाफ, तो यहां पे 1 की जगह पे यहां पे हाफ होगा। ठीक है, और देखिए यहां पे कहा है कि x इक्वल टू हाफ, तो x का जो x के जगह पे हम हाफ बैठा देंगे, तो यहां पे आ गया वहां हाफ प्लस 2y बाई 3 dy। ठीक है, अभी देखिए यहां पे, तो अभी देखिए यहां पे जो है ये जो टर्म है तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, और dy के ऊपर इंटीग्रेशन होगा, तो यहां पे y वैल्यू का होगा 0 से लेके हाफ तक। ठीक है, और यहां पे देखिए यहां पे प्लस 2/3, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे देखिए y dy है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, वैल्यू का होगा 0 से लेके हाफ तक। ठीक है, अभी हम वैल्यू जो बैठा देते हैं 1/6 यहां पे इंटू करेंगे तो हाफ, ठीक है, प्लस देखिए यहां पे 2 और 2 कट जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 1/3 और यहां पे वैल्यू बैठाएंगे तो हाफ स्क्वायर मतलब 1/4। ठीक है, तो यहां पे आ गया 12 प्लस 1/12, तो यहां पे आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीज का वैल्यू जो है वो मिल गया, तो हम यहां पे जो है इसको बैठाएंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू हाफ गिवेन x इक्वल टू हाफ इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 1/6 बाई हाफ। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, मतलब आंसर क्या मिला, आंसर मिला हमें b। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको मतलब ये चीज आपको ये तीनों चीज पता है, आप सिंपल थोड़ा सा इंटीग्रेशन कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे
हम जब भी डालेंगे आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।